ए ग्रेटर देन बी के लिए था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। एलिप्स ऐसा बन रहा था, ये हो चुका है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा रिपीटेशन दे रहा हूँ, डायग्राम वगैरह सभी कुछ हो चुका था, केवल रिवाइज के लिए थोड़ा सा। ए वन ए टू ये था वर्टेक्स, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए वाला वर्टेक्स होता है, ये है जीरो कोमा बी, जीरो कोमा माइनस बी। ये एक्स एक्सेस जो था ये मेजर एक्सेस था, और ये जो था ये माइनर एक्सेस था। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ए बाय ई और माइनस ए बाय ई थी, इसकी फोकस ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो थी, इसका सेंटर जीरो कॉमा जीरो था, और रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर था, या फिर ई इज इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एल एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस टू बी स्क्वायर बाय ए था। अगर आपको जैसे अपन को कुछ ना बोला जाए, केवल पैराबोला बोला जाए, तो हम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स लेते थे। इसी तरह से अगर हमें कुछ भी नहीं बोला जा रहा है और पैरामीटर दिया, हम ए ग्रेटर देन बी वाला केस लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहता है कि ओनली एलिप्स, तो हम ये वाला केस लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस थी 2a, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस थी y इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस थी 2b एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस थी x इक्वल टू जीरो। अब बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई इज अ प्लूरल ऑफ फोकस, दोनों फोकस जो हैं उन्हें कंबाइनली बोलेंगे तो फोकाई बोलेंगे। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, दिख रहा है क्या? इट इज 2ae। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, अबे बोला करो, गूंगे हो गया, 2a बाय e। ठीक है, इसके अलावा अगर a लेस देन b था तो इक्वेशन तो वही होगी। बच्चों हमें कैसे पता लगेगा कि a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन a, तो इससे दिख जाएगा। ठीक है, अगर इधर 1 है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा दिख जाएगा कौन किससे बड़ा है। तो अगर b ग्रेटर देन a हो, मतलब y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसकी वैल्यू x स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो b ग्रेटर देन a होगा अगर, तो एलिप्स ऐसा बन रहा होगा, ये वही रहेगा a कॉमा जीरो माइनस a कॉमा जीरो। इस बार हम इसे वर्टेक्स बोलेंगे, दिस इज जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी, फोकस इधर आ जाएंगी, इट इज जीरो कॉमा बी ई, जीरो कॉमा माइनस बी ई, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये वाई इक्वल टू जीरो थी तो इसके पैरेलल होगी वाई इक्वल टू बी बाय ई, वाई इक्वल टू माइनस बी बाय ई। ठीक है, इस बार हम माइनर एक्सेस जो होगा, दिस इज माइनर एक्सेस और ये होगा वाई इक्वल टू जीरो, और मेजर एक्सेस जो है वो x इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2b होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2a होगी, और इधर रिलेशन होता है क्या, उल्टा रिलेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, और वी कैन से e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एंड एल एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, बस a की जगह b, b की जगह a हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन फोका है, इट इज टू बी ई, बी ई ऑरिजिन से इधर बी ई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा टू बी बाय ई होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये मैंने बता दिया था, ये हम लिख चुके हैं, एक दो दो तीन प्रॉब्लम करते हैं। फिर वही सेंटर अगर जीरो कॉमा जीरो किया है, कुछ और हुआ,
तो क्या कैसे बनाएंगे? और अगर ये एलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होके थोड़ा टिल्ट हुआ तो कैसे बनेगा? ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो इन पर करते हैं क्वेश्चन। ट्राई करें, फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन हूज एल एल आर इज हाफ हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस ट्राई करें फाइंड ई सेंट्रिसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन हूज मेजर एक्सिस is d times इन सब में अपन वही इस वाला केस यूज करेंगे और इसमें ए बी के रिलेशन से आंसर आता जाएगा। ठीक है, d times of minor axis क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड एलिप्स whose minor axis is equal to the distance between focus and LLR equal to 10 units. क्वेश्चन नंबर वन, एल एल आर मतलब टू बी स्क्वायर बाय ए इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब टू ए मतलब टू बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर। तो भाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना हो गया वन बाई टू, तो ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाई टू, सो आंसर इज वन बाय रूट टू। ठीक है, देन सेकंड क्या बोल रहा है, मेजर एक्सिस मतलब 2a जो है थ्री टाइम्स है माइनर एक्सिस के 2b, फिर सेम है यहां पर b बाय ए कितना आ गया 1 बाय थ्री, e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 बाय नाइन, तो रूट अंडर 8 बाय नाइन, सो इट इज 2 रूट 2 बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाय मतलब 2ae और LLR मतलब 2b स्क्वायर बाय a इक्वल टू दिया है 10, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू है 5a, ये 2 2 कट गया। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर e स्क्वायर, है ना। अब दो रिलेशन है आपके पास, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5a ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो एक ए से एक ए कट गया तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5। तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है। अब ई स्क्वायर की है क्या लिखें, ई स्क्वायर क्या होगा और छोटा करते हैं, देखो ऐसे देखो बी इक्वल टू था ए, तो यहां से ई कितना आ गया बी बाय, तो यहीं से ए ई निकल जाएगा कैसे, ई स्क्वायर ई कितना होता है रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस इट इज ई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर दिया तो ई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, तो टू ई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ई इक्वल टू आ गया वन बाय रूट टू। ठीक है, अब ई आ गया है तो बाकी निकल जाएगा, e की वैल्यू 1 बाय रूट टू है तो ये कितना हो गया b इक्वल टू हो गया a बाय रूट टू, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर बाय टू,
और बी स्क्वायर कितना है, 5 है, तो 5 ए इक्वल टू है ए स्क्वायर बाई 2, ये कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, और अगर ए की वैल्यू 10 है इसमें रख दो तो बी इक्वल टू है 10 बाय रूट 2 या 5 रूट 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिफ्थ में मैं डायग्राम बना देता हूँ, आंसर निकालो जल्दी से। ये बोल रहा है कि दोनों फोकस हैं, वो उसको उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन सेगमेंट जो है ये किसी भी एक वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ पर कितने का एंगल बना रहा है 120 का, मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है भाई। ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, तो 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 90 होगा, ए बाय बी, तो इट इज़ रूट 3 इक्वल टू ए ई बाय बी, तो बी बाय ए कितना हो गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई बाय रूट 3, इसका यूज़ कर लेंगे फॉर्मूले में, ई इक्वल टू होता है 1 माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई इज इक्वल टू इट इज़ 1 माइनस किया था ना भी क्वेश्चन इसी तरह से, तो मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 3, तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय 4, तो ई इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। ठीक है, अब जैसे इसी में ओरिजिन शिफ्ट करा देते तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सिंपल होता है, शिफ्टिंग द ओरिजिन, मतलब इसका सेंटर बेसिकली, मान लो पैराबोला जो इलिप्स है उसका सेंटर 0.0 ना हो गया, इधर आ गया, मान लो अल्फा कॉमा बीटा पे आ गया, अब बाकी तो क्या है, क्या दिया हुआ है इस पर डिपेंड करेगा, आपको ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहां पर जो भी पैरामीटर दिए होंगे उसके हिसाब से चलेंगे, कि समझना, अगर मान लो ये दिया है, मान लो ए ई कॉमा बीटा होगा, सॉरी
इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, जैसे मैं भी क्वेश्चन करा दूंगा, कि अगर सेंटा अल्फा का बीटा हो गया तो इक्वेशन केवल इतना है चेंज होगा कि एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करें। यहां पर वही वही कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई उसी से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, कुछ ना कुछ देगा क्वेश्चन, जैसे तुम्हें बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड इलिप्स हुज मेजर एक्सिस एस एट यूनिट एंड फोकाई आर सपोज एट 3.2 एंड 9.2 ऐसे दिए, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमें फोकाई दिए उसमें वाई की वैल्यू सेम है ना। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ये 0, 1, 2, 3, 3.2 एक फोकाई हो गई, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9.2 दो फोकाई मिली, तो इनको ज्वाइन करेंगे, इनका मिड पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर। तो इलिप्स ऐसा बन रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये था हमारे लिए क्या, 3.2 और ये क्या था 9.2, तो सेंटर क्या हो गया, दिस प्लस दिस बाई 2 6.2, तो अल्फा बीटा तो आ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, ए और बी, तो वो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालो, अभी इतने क्वेश्चन किए ना अपन, उसी से कर रहे हैं। क्या फोकाई के बीच की डिस्टेंस, फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या है फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या होती है फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 2a, और ये कितनी है 6 है, ठीक है। अरे दिख रहा है ना, वो तो 2 तो सेम ही है, हाइट तो सेम ही है, 3 से 9 पे गया है, तो 2ae कितना है 6 है, तो यहां से हमें मिल गया ae कितना है 3, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी दी है, 2a कितना दिया है 8, तो a कितना हो गया बच्चों 4, तो ये पुट कर दिया तो e कितना हो गया 3/4, ये आ गया a, आ ही गया है ये गिवन है, b और निकालना है तो b स्क्वायर, जो रिलेशन मैग्नीट्यूड में है ना वो चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e² तो ये हो गया 7, सब आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस सेंटर 6 होल स्क्वायर बाय a² a² कितना होगा 16 प्लस y - 2 होल स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 1। बच्चों आ रहा समझ में, हाँ क्या हाँ रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - e² होता है, तूने गलत लिखा है, मैंने वो सही में लिखा है वर्टिकल वाले में, ठीक है।
माइनस वन, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये माइनस वन कॉमा नाइन, ये हो गई फोकस। तो नेचुरल है ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा, ये हो गया माइनस वन कॉमा नाइन, ये हो गया माइनस वन कॉमा थ्री, तो इससे सेंटर निकाल लिया, सेंटर आ गया माइनस वन कॉमा सिक्स। अब इसी के लेफ्ट में माइनस वन कॉमा थ्री, इसके राइट में माइनस वन कॉमा सॉरी माइनस थ्री कॉमा सिक्स एंड वन कॉमा सिक्स, क्योंकि हाइट तो सेम ही रही, तो ये बन रहा है। तो हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2BE, ये कितना है 6, तो BE इक्वल टू है 3। और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2B, अच्छा सॉरी 2A, ये कितनी है, ये है 4, तो A की वैल्यू आ गई 2, तो A 2 आ गया, BE पता है, इसमें रिलेशन होता है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो आप किसी की वैल्यू निकाल लो, आपको वैसे B निकालना है तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, और या फिर थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लो और जल्दी बनेगा, एक ही बात है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब ई होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिया है 2 तो ये हो गया 4, बी स्क्वायर निकालना है और बी स्क्वायर है सो इट इज 9, उधर गया तो बी स्क्वायर इज 13, तो ये आ गया है x माइनस, सेंटर क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 4, एंड y माइनस 6 होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इट इज 13 इक्वल टू 1। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती है इलिप्स की, कि अगर प्रॉपर्टी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, आपको भी पता होगी, कि अगर ये इलिप्स है और ये फोकस है, तो अगर कोई भी इस पे कोई भी पॉइंट ले लें पी, कोई भी x1 कॉमा y1 या h कॉमा k कुछ भी ले लें, तो इसकी फोकस से जो डिस्टेंस होगी मतलब पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये कितनी होगी 2a होती है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब ये कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है एज्यूम कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है हाँ। और मैंने आपको ग्रुप पे भेज दूंगा CPP, आज मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया, उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं CPP 1 के सारे क्वेश्चन जो हैं जितना अपन ने पढ़ लिया है अभी तक उसी पे हैं, ठीक है जितना आज अपन पढ़ लेंगे उसी पे है, और बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जितने भी क्वेश्चन हो CPP 1 कंप्लीट कीजिएगा, और अपन मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है संडे को टेस्ट है, वो केवल सर्कल का है, मतलब हल्का फुल्का पैराबोला उसमें दिख सकता है, ठीक है मतलब टेंजेंट वगैरह के क्वेश्चन शायद नहीं होंगे उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत पैराबोला तो आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे आ रहा है, इधर देखो ये था x इक्वल टू ए बाई, ये था x इक्वल टू माइनस ए बाई ए बाई, ठीक है फोकस था ए कॉमा जीरो, इट इज माइनस ए कॉमा जीरो, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मान लो दिस इज एम वन, ठीक है मुझे पी एफ वन निकालना था, मैं निकालना चाहता हूँ क्या पी एफ वन, अब हमें पता है पी एफ वन है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्म में मत निकालो बहुत गंदा बनेगा, ठीक है उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पी एफ वन क्या होगा ई टाइम्स ऑफ पी एम वन, अरे होगा ना हमने पढ़ा था ना फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, ई होता है। अब ई घर रहने दो, व्हाट इज पी एम वन, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स वन है, ऐसे कोऑर्डिनेट है, ठीक है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है ए बाई, तो ए बाई में अगर मैं एक्स वन माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ गई, तो पी एम वन आ गई, पी एम वन क्या होगा ए बाई माइनस एक्स वन, ठीक है तो ये कितना हो गया, इट इज ए माइनस ई एक्स वन, ठीक है। अब पी एफ टू जिस तरफ की फोकस लेते हैं उस तरफ का करस्पॉन्डिंग
डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ती है, पॉइंट भले ही सेम लो, अगर अपन इस तरफ का फोकस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इस तरफ का फोकस बात करेंगे तो इस तरफ की डायरेक्ट्रिक्स। तो अब मैं कहूंगा पी एफ टू क्या होगा, ई टाइम्स ऑफ पी एम टू, अरे नहीं तो ई से बड़ा नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस ये लें और डायरेक्ट्रिक्स ये लें तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना इससे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताओ पी एम टू क्या होगा, वाट इज पी एम टू, हाँ ये डिस्टेंस है अब ए ई, ए बाई ए ई नहीं, ए बाई ई, और ये डिस्टेंस है एक्स वन, तो ये पूरा होगा, सो इट इज ए बाई ई प्लस एक्स वन, इट इज ए प्लस ई एक्स वन, दोनों कर दो ऐड, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज टू है, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो हालांकि आपसे डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा, मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि इस तरह से करते हैं, ठीक है, कभी जरूरत पड़ती है तो। सिमिलरली इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म समझो, आप लिखना चाहें लिख लें, या पहले देख लो, रुको पहले देख लो फिर लिख लेना, ठीक है। इसमें आता है ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, सर्कल विथ सेंटर इज सेम एज सेंटर ऑफ द एलिप्स एंड इज पासिस थ्रू the vertex of major axis as diameter, मतलब अगर हम एलिप्स बना रहे हैं इस तरह से तो जो एलिप्स का सेंटर है वही इसका सेंटर होगा, और ये किससे पास होगा, मेजर एक्सिस की डायरेक्ट्रिक्स से, तो ये ऐसा सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये सर्कल आएगा क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अरे सेंटर जीरो कॉमा जीरो है, रेडियस ही है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए इसका यूज होता है, मतलब जैसे आपने कोई पॉइंट लिया पी, या ऐसा कहना चाहिए नहीं, ये बाद में आता है, हम पहले ऑक्सिलरी सर्कल पर एक पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है, पी पॉइंट, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है ए, ठीक है, और ये एंगल कितना मान लो, एज्यूम कर लेते हैं थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लेंथ कितनी हो गई ए कॉस थीटा, अरे आर ये थीटा ये, तो आर कॉस थीटा होती है, तो डिस्टेंस हो गई ए कॉस थीटा एंड दिस हाइट इज ए साइन थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, ये तो किसके आया है, सर्कल पे। अब अगर मुझे तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूँ तो दो पॉइंट मिलेंगे ना मुझे यहाँ पर, तो अगर मैं ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो वो क्या कहलाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी, किसकी, इलिप्स की, क्योंकि वो पॉइंट इलिप्स होने चाहिए ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी तुम थीटा बनाओ तो ऐसा मत सोच लेना कि इस पर ये पॉइंट लिया पी और इसको ज्वाइन करके ये थीटा है, दिस इज रॉन्ग, ये थीटा नहीं है, ऑक्सिलरी सर्कल से जो उसके ऊपर ये पॉइंट लिया, इसके ऊपर जो ऑक्सिलरी सर्कल पर जो पॉइंट आ रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। हालांकि थीटा ऐसे निकाला नहीं जाता, मैं तो डेरिवेशन बता रहा हूं, थीटा तो मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर बच्चों ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस सेम ही है ना, यहां पर तो ये लेंथ तो सेम ही है ना, तो ये लेंथ कितनी है ए कॉस थीटा, तो इसके भी ए कॉस थीटा एब्सेंसा तो सेम रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब वाई की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालें, क्योंकि हमें एलिप्स तो पता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसमें मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू डाल दूंगा उससे y की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू मैंने रखी तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो ये ए स्क्वायर कट गया, ये उधर चला गया, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, या प्लस माइनस भी लगा सकते हो, इधर b sin थीटा बनेगा और नीचे
माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड, नाम है इसका इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल, इसका इसेंट्रिसिटी कोई लेना देना नहीं है, बस नाम है इसेंट्रिक एंगल। क्या ये समझ में आ रहा है? अब जैसे तुम्हें थीटा कैसे निकालने को बोलेगा, तुमसे बोलेगा कि भाई इलिप्स पे, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे ऐसा बोल दे, पहले देख लो फिर लिख लेना, करना तुम ही, मैं थोड़ा समझाऊंगा बस। जैसे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू वन इज फ्रॉम इट्स सेंटर इज टू यूनिट, देन फाइंड द एसेंट्रिक एंगल, देन फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इलिप्स बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ए बड़ा है बी से, ए कितना है, ए इज रूट सिक्स, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, बी कितना है रूट टू, तो ये बोल रहा है कि ये पी पॉइंट है, ठीक है, और पी पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो है वो कितनी दी है टू, किससे, सेंटर से, मतलब ओरिजिन से, तो हमें थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी कितना होगा, पी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सेंट्रिक एंगल निकालना है, हम कोई डायग्राम एक्चुअल डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप तो ये लिखो ए कॉस थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखो क्या होती है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है अगर इलिप्स पे है तो हम इसी फॉर्म में करेंगे। तो यहां पे ए ए कितना है, रूट सिक्स कॉस थीटा एंड रूट टू साइन थीटा, ये एज्यूम कर लो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और किसके अलावा कर दो टू के, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर पूरा सॉल्व करके क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, भाई कॉस स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा ना, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, किसी भी कॉस स्क्वायर को मान लो वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लेंगे, उससे साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उससे साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, बनाए लिख लें पूरा, सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर को बदल लिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर, तो सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर, टू उधर चला गया तो ये हो गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 2, तो cos theta equal to plus minus 1 by root 2. अब आपको पता है ऐसे कितने पॉइंट होंगे इलिप्स पे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिसकी डिस्टेंस 2 होगी, चार होंगे, हर क्वाड्रेंट में एक होगा ना, तो अब अपन थीटा बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट और पॉजिटिव लेंगे 1 by root 2 तो क्या होता था, अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस, कुछ याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो अल्फा मतलब मैग्नीट्यूड फर्स्ट क्वाड्रेंट, वन बाय रूट टू का होता है 45 डिग्री, पाई बाय फोर, तो चार आंसर आएंगे, पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई प्लस पाई बाय फोर एंड टू पाई माइनस पाई बाय फोर, तो एसेंट्रिक एंगल, दिस एसेंट्रिक एंगल इट इज पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर एंड सेवन पाई बाय फोर, चमका, ठीक है, अगर एलिप्स ऐसा बन रहा होगा ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के, तो इसमें नेचुरल सी बात है, इसमें एक फोकस देगा, मान लो फोकस दिया हुआ है उसने x1 कॉमा y1,
और एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स देगा, इट इज ए एक्स प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसा अपन ने उसमें सीखा था पैराबोला में, पी पॉइंट मानेंगे और पी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई टाइम्स ऑफ पी एम। एसेंट्रिसिटी ई भी गिवन होगी, गिवन नहीं होगी तो कुछ कंडीशन दी होगी जिससे हम उसे निकाल पाए। ठीक है, तो कहेंगे हम पी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई टाइम्स ऑफ पी एम। ये कब लगाना है, जब आपको दिख जाएगा डायरेक्ट्रिक्स जो दी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है। तो पी एफ, पी एफ मतलब डिस्टेंस फार्मूला, इसको क्या मानेंगे, एच कोमा के, बाद में से एक्स कोमा वाई बोल देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला, सो अंडर रूट ऑफ एच माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ मॉड किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ना, इट इज एल एच प्लस के वाई, सॉरी क्या के वाई नहीं, एम के प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर एच और के की जगह एक्स और वाई रख देंगे तो ये इक्वेशन होती है ई टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जहां पर एक्स वन वाई वन जो है क्या है, फोकस, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। मेरी गाय समझ में आया होगा, ठीक है।